संक्रांति एक देखिए बिहार से मैं हूं तो वहां मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही जरूर खाते हैं सवेरे उठ के, तो वो तो खाएंगे और पतंग उड़ाएंगे और पतंग से पूरा का पूरा बचपन जो है जुड़ा हुआ है। इन लोगों को इतनी पतंगबाजी करने का अवसर नहीं मिला, पर मैंने सालों हर वक्त जब स्कूल था स्कूल से भाग के घर आता था तो सबसे पहले गुड्डी उड़ाना, लटाई लेना, मांझा करना और उड़ाना और मोहल्ले भर के जितने पतंग थे उनको काटना, जो बाकी बच्चे को धो के घर में ले आना। तो उसी तरह से कल जो है वो मकर संक्रांति मनाई जाएगी। बड़ी उड़ाई थी मैंने, एक मिनट के बाद पतंग कट गई थी मेरी, शेखर सर ने काट दी थी मेरी पतंग तो। उसके बाद मैंने फिर कभी कोशिश नहीं की, लेकिन आज दो मिनट मिला मुझे उड़ाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत मजा आया। तो होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मैं इतने ऑस्पिशियस दिन पर पैदा हुआ हूँ, तो मैं लोहड़ी के दिन पैदा हुआ और दूसरे दिन मकर संक्रांति को, बिल्कुल बहुत तगड़ा होता, मतलब मोहल्ले वाले भी तो नजर रखी जाती, जो पड़ोसी हैं और जिनसे दुश्मनी मतलब महीनों नहीं निकाल पाए उनकी, उनसे दुश्मनी हमेशा उनके पतंग काट के निकाली जाती। जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी तब तक मुझे सॉरी बोलना, क्योंकि वो मेरे डायरेक्टर है फिल्म के, फिल्म रिलीज होने के बाद मैं पिता बनना बहुत जरूरी है। और देखिए हर पिता टीचर को सब देखे उनका संबोधन किया जा सकता है, नहीं ऐसे नहीं है, डैड मुझे बुलाते हैं पर अभी वो इंप्रेस कर रहे हैं आपको कि अभी भी वो एक्टर है, मैं डायरेक्टर हूँ, जब तक फिल्म रिलीज होगी तब तक वो डिसिप्लिन के दायरे में रहने वाले हैं, हर के साथ लड़ाना चाहेंगे और देखेंगे मे द बेस्ट मैन विन। किसी का नाम न लेते हुए जब आपकी जो पतंग है जो आसमान में खिलती है वहाँ कई और पतंग रहते हैं, तो या तो आप साथ उड़ते रहिए और कभी कभी पेंच अगर लड़ जाए तो काट के निकाल के बाहर फेंक दीजिए। एक एक वक्त तक इंसान जो है एक्टर अभिनेता काम कर लेता है, निर्देशक काम कर लेता है, उसके बाद उसके इख्तियार से वो फिल्म या उसकी मेहनत बाहर निकल जाती है, फिर ईश्वर के हाथ में है, जनता के हाथ में, अगर आपने अच्छा काम किया है दिल से काम किया वो बात जरूर दिल तक पहुंचेगी। मेहनत से जो भी चीज की हो जिंदगी में, न सिर्फ फिल्म कोई और काम, वो कभी खाली नहीं। मेरे फादर का एक और मेरा एक सपना था साथ में फिल्म में काम करने का और वो हार्टलेस के थ्रू पूरा हुआ, तो आई रियली होप कि फिल्म सक्सेसफुल हो, ताकि मैं आज जब मैं एनजीओ गया था तो मैंने उन बच्चों को देखा जो बीमार थे, मैं होप करता हूँ कि थोड़ा बहुत सक्सेस मुझे मिल जाए, ताकि आई थिंक भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लाइफ में, लेकिन मैं दूसरों को देना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, सो आई रियली होप कि मैं थोड़ी बहुत मदद कर दूं उनके, आई वुड रियली लव टू डू दैट इन माय लाइफ। सस्पेंस फिल्म में अक्सर जब आप खूनी का नाम बता रहे होते हैं ऊपर से एक हेलीकॉप्टर चला जाता और कोई सुन नहीं पाता, फिर वो क्लाइमैक्स में पता चलता। इन्होंने सफलता भी देखी और विफलता भी देखी है, और उस सफलता से इनका जो भी फायदा होगा, जो भी शोहरत, नाम, पैसा, इज्जत, जो भी उसका जो परिवर्तन है वो या वो जो सोच है वो समाज के प्रति होनी चाहिए, वो ये इनका जो एटीट्यूड है वो एक हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत बहुत बचपन में सिर्फ पतंगे ही उड़ाई हैं, इसलिए बहुत डांट पड़ती थी, बहुत मार खाई है, कुछ एक आध पैसे भी कभी कभी हम लोग चुरा लिया करते थे, 5-10 पैसे जिससे गुड्डी आ जाए। और बहुत दिनों तक ये बात हमने अपने माता पिता को नहीं बताई थी कि हमने पतंग उड़ाने के लिए थोड़ी बहुत चोरी भी की। मैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि शेखर सुमन ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो लोगों के दिलों को छुएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मैंने फिल्म में अच्छा काम किया कि नहीं, ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता।